Good morning, students. Today start about feeding habits. Let's start feeding habits. पिछले वीडियो में आपको बॉडी कवरिंग के बारे में बताए थे. आज आपको फीडिंग हैबिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. अलग अलग एनिमल्स के जो फीडिंग हैबिट्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं. भोजन प्राप्त करने के ठीक है अलग अलग तरीके के अलग अलग एनिमल जो है भोजन प्राप्त करते हैं. एनिमल्स लाइक काउ गोट डियर एंड जिराफ ईट प्लांट आर प्लांट पार्ट. ठीक है तो एनिमल्स जैसे काउ गोट डियर जिराफ ये सब प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट के पार्ट को खाते हैं. दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स इनको हर्बीवोर्स कहते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट द फूड एंड फ्लैट बैक टीथ टू च्यू द फूड. इनमें जो है शार्प फ्रंट टीथ पाए जाते हैं जिसे इंसाइजर्स कहते हैं. सामने की तरफ जो है शार्प फ्रंट टीथ पाए जाते हैं जिन्हें इंसाइजर कहते हैं जिससे यह फूड को बाइट करते हैं पकड़ते हैं काटते हैं. एंड फ्लैट बैक टीथ मोलर एंड प्री मोलर और जो पीछे के टीथ होते हैं इनमें उन्हें मोलर और प्री मोलर कहते हैं जिनसे यह फूड को च्यू करते हैं पीसते हैं. तो आपने देखा कि फीडिंग हैबिट्स में डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. अलग अलग एनिमल के अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होते हैं. एनिमल्स लाइक काउ गोट डियर एंड जिराफ ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. एनिमल्स जैसे कि काउ गोट डियर जिराफ एंड जिराफ पौधे खाते हैं या फिर पौधों के पार्ट खाते हैं. इनको हर्बीवोर कहते हैं. दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स इनको हर्बीवोर्स शाकाहारी कहते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ इतने शार्प फ्रंट टीथ पाया जाता है जिसे इंसाइजर्स कहते हैं. टू बाइट द फूड फूड को बाइट करने के लिए काटने के लिए. एंड फ्लैट बैक टीथ टू च्यू द फूड और फ्लैट बैक टीथ पाया जाता है जिससे यह कुतरते हैं फूड को कुतरते हैं पीसते हैं जिसे मोलर एंड प्री मोलर कहते हैं. अब आप देखें एनिमल्स लाइक लायन टाइगर फॉक्स एंड वोल्फ ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. एनिमल्स जैसे कि लायन टाइगर फॉक्स वोल्फ ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल या दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि एनिमल्स जैसे कि लायन हुआ टाइगर फॉक्स वोल्फ ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल या दूसरे एनिमल्स के फ्लैश मांस को खाते हैं जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स इनको कार्निवोर्स कहते हैं इनको मांसाहारी कहते हैं. दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टियरिंग फ्लैश. इनके सामने की तरफ जो है शार्प नुकीले पॉइंटेड ठीक है तेज धार के नुकीले फ्रंट टीथ पाए जाते हैं जिनको केनाइन कहते हैं जिसके हेल्प से यह टियरिंग फ्लैश जो है मांस को फाड़ने का काम करते हैं. दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ कैनाइंस फॉर टियरिंग फ्लैश. दे हैव स्ट्रांग बैक टीथ फॉर चेविंग द फ्लैश. इनके जो पीछे की टीथ होते हैं जिन्हें मोलर्स कहते हैं ठीक है वे स्ट्रांग होते हैं ताकि जो मांस को यह कुतर सकें पीस सकें चेविंग कर सकें. तो आपने देखा कि एनिमल्स लाइक लायन टाइगर फॉक्स एंड वोल्फ ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल ठीक है. एनिमल्स लाइक लायन टाइगर फॉक्स वोल्फ ये जो हैं दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स इनको कार्निवोर्स कहते हैं. दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टियरिंग फ्लैश. इनके सामने की तरफ शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ होता है जिसे केनाइंस कहते हैं जिससे यह मांस को चीरते हैं टियरिंग फ्लैश करते हैं. दे हैव स्ट्रांग बैक टीथ मोलर फॉर चेविंग द फ्लैश और पीछे के साइड में जो है मजबूत टीथ होते हैं जिन्हें मोलर्स कहते हैं जिनसे यह मांस को उतरने का काम करते हैं पीसने का काम करते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स. तो आप देख रहे हैं एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ये जो हैं प्लांट एंड फ्लैश प्लांट पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं.
ऐसे एनिमल्स को दे आर कॉल्ड ओमनीवर्स, ऐसे एनिमल को ओमनीवर्स कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो एनिमल लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स बियर एंड क्रो, यहाँ तक इसमें कंटेन ह्यूमन बींग्स, इसमें मानव भी आता है। मानव भी जो है प्लांट्स और फ्लैश मांस दोनों खाता है, तो इसमें भी वह मानव भी क्या है, ओमनीवर्स है, सर्वाहारी है। तो आपने देखा कि पहला आपने देखा हर्बीवर्स शाकाहारी, फिर आपने देखा कार्निवर्स मांसाहारी, और फिर आप देख रहे हैं कि सर्वाहारी, जिसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स भी होता है, ह्यूमन भी होते हैं, मानव भी होते हैं। इसके अलावा बियर क्रो या पौधे और फ्लैश दोनों को ईट करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, एनिमल लाइक स्क्वेरल्स रैट्स एंड रैबिट्स हैव स्मॉल शार्प फ्रंट टीथ। एनिमल्स लाइक स्क्वेरल रैट्स एंड रैबिट्स हैव स्मॉल शार्प फ्रंट टीथ टू कट एंड क्रैक द फ्रूट्स एंड नट्स। एनिमल्स लाइक स्क्वेरल रैट्स रैबिट्स, यहाँ पे स्क्वेरल का फिगर आप देख रहे हैं, उसी तरह से जो रैट्स होते हैं, ठीक है, गिलहरी चूहा खरगोश, इन सब के जो सामने के टीथ होते हैं वह शार्प होते हैं, ठीक है, नुकीले होते हैं, जिनके हेल्प से यह फ्रूट्स को कट्स करते हैं, क्रैक करते हैं, उनमें कट करते हैं और उनको क्रैक करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड रोडेंट्स, इनको क्या कहते हैं, रोडेंट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड रोडेंट्स। रोडेंट्स मीन्स द स्मॉल मैमल विथ शार्प फ्रंट टीथ, ऐसे मैमल्स जिनमें जो फ्रंट टीथ हो वो कैसा हो, शार्प हो, शार्प फ्रंट टीथ वाले मैमल्स को रोडेंट्स कहते हैं। तो एनिमल लाइक स्क्वेरल रैट एंड रैबिट्स हैव स्मॉल शार्प फ्रंट टीथ टू कट एंड क्रैक द फ्रूट एंड नट्स, दे आर कॉल्ड रोडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल लाइक बटरफ्लाई हनीबी एंड मस्क्यूटो हैव ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। तो एनिमल्स लाइक अब बटरफ्लाई हनीबी एंड मस्क्यूटो हैव ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। तो बटरफ्लाई हनीबी एंड मस्क्यूटो में माउथ नहीं पाए जाते हैं, माउथ के जगह पे एक लंबा ट्यूब पाया जाता है, ठीक है, माउथ के जगह पे एक लंबा ट्यूब पाया जाता है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। बटरफ्लाई एंड हनीबी यूज इट टू सक द नेक्टर। बटरफ्लाई और हनीबी जो है इसकी हेल्प से नेक्टर को चूसने का काम करती है, सक करने का काम करती है। मस्क्यूटो यूज दिस ट्यूब टू सक द ब्लड। मस्क्यूटो जो है इसके हेल्प से ब्लड को चूसने का काम करता है। तो आप देख रहे हैं एनिमल लाइक बटरफ्लाई हनीबी एंड मस्क्यूटो हैव ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। तो बटरफ्लाई हनीबी मस्क्यूटो में माउथ के जगह पे एक लॉन्ग ट्यूब पाया जाता है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। बटरफ्लाई एंड हनीबी यूज इट टू सक द नेक्टर। बटरफ्लाई और हनीबी जो है इसका यूज जो है नेक्टर को सक करने के लिए करती है। मस्क्यूटो यूज दिस ट्यूब टू सक द ब्लड। मस्क्यूटो जो है इस ट्यूब का यूज जो है ब्लड को चूसने के लिए करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा फीडिंग हैबिट्स के बारे में, इसमें आपने पढ़ा हर्बीवर्स कार्निवर्स ओमनीवर्स रोडेंट्स एंड प्रोबोसिस के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रीदिंग के बारे में, तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।